बिहार में विधानसभा चुनाव में एनडीए को शानदार जीत मिली है और नई सरकार के गठन को लेकर कवायद जारी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार में नई सरकार के गठन पर चर्चा के लिए बीजेपी आलाकमान ने राज्य के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी को दिल्ली तलब किया है। इस बीच नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार के गठन को लेकर नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक पटना में 15 नवंबर को बुलाई गई है, लेकिन इससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। पार्टी विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा। बीजेपी आलाकमान की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 15 नवंबर को पटना में होने वाली पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में मौजूद रहेंगे और बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव कराएंगे। बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव होने से ये तय हो जाएगा कि बिहार में डिप्टी सीएम कौन और किसको बनाया जाए। बीजेपी विधायक दल का नेता ही डिप्टी सीएम बनेगा। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। संवाददाता मिथिलेश मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, जिस तरीके से कवायद शुरू हो चुकी है नेताओं के चुनाव की, क्योंकि एनडीए जीत तो गया है, इसके बाद से नेताओं की कवायद शुरू है, क्या कुछ अपडेट है? इसमें खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक का हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के देखरेख में ही बीजेपी विधायक दल की बैठक रखी गई है और खास करके 15 तारीख को आयोजित किया गया यह बैठक को, और उसमें सबसे अहम बात यह कही जा सकती है कि सीएम नीतीश कुमार को नेता ही चुना गया है और 15 नवंबर को जो बीजेपी के विधायक दल की जो बैठक होने वाले हैं उस बैठक में सबसे मूल रूप से उसको देखा गया है कि खास करके जो वरिष्ठ नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनको बिहार भेजा इसलिए क्या है कि विधायक दल के नेताओं को चुना जा सके, खास करके नीतीश कुमार को, और उसके अलावा मंत्रिपरिषद में कौन कौन व्यक्ति को उसमें रखने हैं वो सारी चीजों पर तय की जाएगी। और आपको बताते चले कि पिछले बार जो मंत्रालय था उसमें 8 ऐसे दिग्गज कद्दावर नेता थे जो मंत्रालय में थे, जो अगली बार जदयू सीट पर हार चुके हैं, तो उनकी भी विशेष तौर पे रखी जाएगी और पर भी ये पहल की जाएगी कि जो मंत्रालय में पूर्व से रह चुके हैं उनको मंत्रालय दिया जाए या नहीं। फिर उसके बाद इनके उप मुख्यमंत्री के ऊपर में भी ये बातें सामने में आएगा कि उप मुख्यमंत्री के चुनाव किसको करनी है। और मिथिलेश, बात ये भी है कि जो नए दल उसमें शामिल हुए एनडीए में उनको भी तो मुख्य पद देने की उम्मीद है, क्योंकि वो भी ये पदों की तो मांग करेंगे ही। निश्चित तौर पे ये मान तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अभी मूल रूप से अगर देखा जाए तो 8 ऐसे मंत्रालय हैं जहां से जदयू सीट खाली पड़े हुए हैं और उसी मंत्रालय को लेकर के भी बातें कही जा रही कि बीजेपी की सीट उसको दिया जा सकता है। दूसरी तरफ ये भी कही जा रही है खास करके कि मूल रूप से उप मुख्यमंत्री के ही पद को लेकर के अभी योजना लगी हुई है, दो लोगों के नाम खास करके सामने में आता है। तो सुशील कुमार मोदी चूंकि नीतीश कुमार के साथ में रहे हैं और काफी अरसे से इस बिहार की तमाम गतिविधियों पर उनको ने अनावरण करके रखा है और देखा है कि बिहार की राजनीति को कैसे हालात को आगे निकाला जा सकता, एक उनकी खुद की अनुभव और गरिमा दोनों उनकी दिखाई दे रहा, जिसके तहत लोग दिल्ली में बैठ करके उन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए जो कि नड्डा के पास गए हुए हैं, बीती रात्रि से ही गए हुए हैं, लेकिन उन तमाम बिंदुओं के बाद में भी जो कल की बैठक होगी उस बैठक में लगभग पूरी तरीके से साफ कर दिए जाएंगे। और सबसे अहम बातें ये कही जा रही है कि जब राजनाथ जी आएंगे और राजनाथ जी पहले सबसे पहले बीजेपी के अपने विधायक से उनसे पहले बातचीत करेंगे, उनकी बैठक करने के बाद ही एनडीए की बैठक में वो शामिल होंगे और उन तमाम बैठकों के बाद में एनडीए का नेता चुना जाएगा, उसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही चयन की जाएगी। जी मिथिलेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।